अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं? जी फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं ज़िला पाकपतन शरीफ। पाकपतन से 10 किलोमीटर के फासले पर एक मशहूर कस्बा है मलका हांस। मलका हांस से अगर हम शुमाल की तरफ आएँ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर, तो ये एक जगह है। इधर ये 3 टेम्पल मौजूद हैं, मंदिर हैं। एक वो सामने, एक ये है, और फ्रेंड्स एक ये है। कोशिश करूँगा फ्रेंड्स एक एक चीज़ आपको दिखा सकूँ। हिस्टोरिकल प्लेस है, 400 से 500 साल पुराना है ये। फ्रेंड्स इसका सेन है, और ये 3 टेम्पल है। ये पहला है जी। फ्रेंड्स काफ़ी कोशिश करने के बाद ये पता नहीं चल सका कि इस मंदिर का नाम क्या था, बस इसको वहाँ ही कहते हैं। अभी जी कोशिश करता हूँ कि अंदर जाके भी आपको सारा दिखाऊँ। तो जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये पहले आप फ्रेंड्स देखें, 2.5 से 3 फुट चौड़ी दीवार है, मुगलिया दौर की ईंटें लगी हुई हैं। ये इसका अंदरूनी हिस्सा है, ये रोशनदान है, ये भी कुछ चीज़ बनी हुई है, ये कुछ पिक्चरें हैं। जो बहन भाई हमारे चैनल को देखते हैं या हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस टेंपल के मुतल्लिक अगर किसी को कोई पता हो कि ये किन के नाम से था या इस टेंपल का नाम क्या था, तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये इसका जो अंदरूनी हिस्सा है, ये छत है। अभी जी इसकी चारों साइडें आपको दिखाता हूँ। ये इसका सेन है जी। ये सामने एक बेरी का दरख्त है। ये देखें जी, ईंटों का डिज़ाइन। ये जी पहला है मंदिर, अभी आपको वो दूसरा दिखाऊंगा और फिर तीसरा। वीडियो के साथ रहिएगा। ये जी इसका सेन है। उम्मीद है दोस्तों आपने ये अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब जी चलते हैं दूसरे की जानब। ये जी दूसरा है, इसके ऊपर भी कोई तख्ती या कोई प्लेट वगैरह नहीं लगी हुई कि ये किन के नाम से, क्या नाम था जी इनका मंदिर का। ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, जो भाई हिंदी समझते हैं तो वो ये देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, हम पाकिस्तान से हैं, हमें इसकी समझ नहीं लग रही। आप ये देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये भी 2.5 से 3 फुट चौड़ी दीवार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसका अंदरूनी हिस्सा है, बहुत पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस है जी। ये जी आप देख सकते हैं। अब इसकी बैक साइड दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। ये जो हिंदी में लिखा हुआ था, मेरे ख्याल में ये इनका कोई नाम ही लिखा हुआ है, जो भाई हिंदी समझते हैं वो पढ़ लें। ये भी कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये जी इसकी बैक साइड है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में मैं मज़ीद पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस के लिंक दे देता हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मुगलिया दौर की ये ईंटें लगी हुई हैं, बहुत पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है ये जी। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको ये दिखाया है, अब ये दिखाया है,
अब जी चलते हैं इस तीसरे की तरफ। ये है जी एक, इसके ऊपर भी कोई तख्ती नहीं लिखी हुई, उधर तो वो लिखा हुआ हिंदी में, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके भी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रेंड्स काफ़ी सुराख हुए हुए हैं। ये इसकी छत है, वो कुंडी सी लगी हुई है, पता नहीं इसके साथ पंखा लगा हुआ था या कोई झूमर लगा हुआ था, कोई पता नहीं। ये रोशनदान बने हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा। इसकी मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये जी इसकी बैक साइड है, पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस है। पाकपतन शरीफ से 10 किलोमीटर के फासले पर मलका हांस, बहुत मशहूर कस्बा है सैयद वारस शाह साहब ने जिधर बैठकर हीर लिखी थी। शुमाल की तरफ आएँ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर चुंगी के नाम से मशहूर कस्बा है। उधर ये मशहूर 3 टेंपल मौजूद हैं, 1, 2, 3। तो जो भाई विज़िट करना चाहता है वो कर सकता है। ये फ्रेंड्स इसका सेन है, किसी दौर में हुआ करता था। फ्रेंड्स मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो बहन भाई इन मंदिरों के मुतल्लिक जानता है या इनके नाम के बारे में जिनको पता है, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये इसका सेन है जी। ये भी सेन हुआ करता था जी किसी दौर में। वो सामने एक बहुत पुराना दरख्त है। ये जी इसकी सीढ़ियाँ हुआ करती थी। उम्मीद है दोस्तों आपने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया होगा। पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनकी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, उनमें से एक ये है। तो जो बहन भाई हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई मेहर मुदसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।